सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने माइनक्राफ्ट सर्वर के अंदर एक कमाल का वोटिंग सिस्टम ऐड कर सकते हो। यानी कि गाइस, अगर आप अपने सर्वर में ढेर सारे प्लेयर के साथ खेल रहे हो तो आप लोग आपस में वोट करके दिन को रात कर सकते हो, रात को दिन कर सकते हो। और इतनी अगर कोई सर्वर में उल्टे सीधे काम कर रहा है, आपको गालियां वगैरह निकाल रहा है, तो उसको भी आप किक या बैन कर सकते हो आपस में वोटिंग करके। ये सब कुछ बताने वाला हूं, तो इसलिए पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हां 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं तो जरूर कर देना। तो इसके लिए गाइस, सबसे पहले आपको अपने सर्वर में चले आना है। यहां पे मेरे पास एटर्नस का सर्वर है। अगर आप किसी अदर होस्टिंग से भी खेलते हो तो भी ये वाला मेथड एकदम अच्छे से काम करता है। उसके लिए सबसे पहले आपको यहां पे प्लगइन्स में जाना है और यहां पे आपको सर्च करना है अल्टीमेट वोट। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके पास दो-दो यहां पे प्लगइन आ जाएंगे, एक बकेट वाला होगा और एक स्पिगट वाला होगा। तो यहां पे मैं स्पिगट वाले को यूज कर रहा हूं, आप भी इसको यूज कर सकते हो। यहां पे क्लिक करने के बाद देखो, यहां पे जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है 2023 वाला ही सबसे लेटेस्ट है, तो इसको जल्दी से आप इंस्टॉल कर लेना। और हां गाइस, आपको अगर इस वाले प्लगइन के बारे में ज्यादा कुछ जानना है तो इस वाले पे आपको क्लिक कर देना, तो आपका इस वाले का पूरा यहां पे वेबसाइट खुल के आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, यहां से आप ढेर सारे इसमें कौन-कौन से कमांड है और क्या-क्या चीजें हैं सभी कुछ आप यहां पे पढ़ सकते हो। परमिशन कौन-कौन से इसको देने हैं, आपका कमांड क्या-क्या रहेगा, सभी कुछ आप यहां पे देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस, जल्दी से आपको अपने सर्वर में जाना है और अपने सर्वर को एक बार रीस्टार्ट कर लो। यहां पे सर्वर रीस्टार्ट हो गया और मैं आ चुका अपने सर्वर के अंदर। और गाइस, अगर आपको भी इस तरीके का हाई पिक्सल वाला अपना सर्वर बनाना है जिसके अंदर ढेर सारे यहां पे मिनी गेम्स और ढेर सारे यहां पे मोड्स आप ऐड कर सको, देख सकते हो बहुत सारे, और साथ-साथ शॉप और भी ढेर सारी चीजें आप कर सको, तो इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हाई पिक्सल वाले प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जाके एक-एक वीडियो एकदम अच्छे से देखना और खास करके पहला दो वीडियो एकदम जरूर देखना, उसमें इंपॉर्टेंट प्लगइन्स आपको बताए गए हैं। तो अब गाइस, मुझे अपना वोटिंग वाला कौन-कौन से कमांड है वो देखने हैं, तो उसके लिए /VOTE लिखना है, स्पेस देना और फिर लिस्ट लिख देना, तो आपके पास सारा यहां पे लिख के आ जाएगा कि आप इस वाले वोटिंग प्लगइन को यूज करके, वोटिंग सिस्टम वाले को यूज करके प्लेयर्स को किक कर सकते हो, बैन कर सकते हो, अनबैन कर सकते हो, टाइम डे कर सकते हो यानी कि सुबह कर सकते हो, टाइम नाइट कर सकते हो यानी कि रात भी कर सकते हो, वेदर को भी आप चेंज कर सकते हो गाइस, सन कर सकते हो, स्टॉर्म कर सकते हो और किसी को म्यूट भी कर सकते हो। ये सब कुछ वोटिंग से होने वाला है। तो अब गाइस, किसी को आपको वोट करना है तो उसके लिए आपको लिखना है /VOTE, उसके बाद आपको स्पेस देके, मान लो यहां पे हमको टाइम को डे करना है या फिर रात करना है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा टाइम और फिर यहां पे डे लिख देना, फिर आप यहां पे एंटर करोगे तो आपका यहां पे वोटिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा। और ये देखो, करंट वोट्स 1/3 दिखा रहा है, यानी कि कम से कम यहां पे 3 प्लेयर का यहां पे वोटिंग चाहिए होगा, तब जाके ये जो है ये दिन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप बाकी कमांड्स को भी यूज कर सकते हो जो यहां पे फीचर्स दिए गए हैं, और ये कुछ मिनट के बाद गाइस बंद भी हो जाएगा, उससे पहले ही सभी प्लेयर को इसमें वोट करना होगा। लेकिन गाइस, यहां पे 3 का ऑप्शन दिया जा रहा है कि कम से कम 3 प्लेयर वोट करेंगे, इसको आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके चेंज भी कर सकते हो, तो चलो वो कैसे चेंज करना है अब मैं आपको वो बताता हूं। तो उसके लिए गाइस, आपको अपने सर्वर में आने के बाद फाइल्स में चले आना है, उसके बाद नीचे आना है, यहां पे प्लगइन्स में आना, फिर आपको यहां पे नीचे आना पड़ेगा और अल्टीमेट वोट वाला जो प्लगइन है उसका आपको फोल्डर खोलना पड़ेगा। ये देखो अल्टीमेट वोट वाला आ गया, इसको ओपन करो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको दिखेगा, configuration.yml ये दिखेगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। फिर गाइस, आप यहां पे देखोगे दूसरा नंबर पे एट लिस्ट वोट्स, यहां पे 3 दिखा रहा है, जो मैंने आपको बोला था ना वहां पे 3, वो वाला 3 यहां पे दिखा रहा है। तो फिलहाल यहां पे मेरे पास तो 3 प्लेयर नहीं है, ज्यादा-ज्यादा मैं सिर्फ 2 ही यहां पे प्लेयर ला सकता हूं, एक मैं और एक मेरा ये पॉकेट एडिशन वाला प्लेयर। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे 2 सेट कर लेता हूं, लेकिन आपको यहां पे ज्यादा सेट करना अपने सर्वर में कितने सारे प्लेयर खेल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो फिलहाल यहां पे मैं 2 कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल 2 ही प्लेयर है। फिर आपको यहां पे नीचे जाओगे तो आपको बहुत चीजें यहां पे देखने को मिलेंगी, कौन-कौन मैसेज क्या आएगा, इनको आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और वोट एंड टाइम भी यहां पे दिखता है गाइस। ये जो आप 3 देख रहे हो तो ये 3 मिनट का टाइम है, इसको आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि 1 मिनट पे सेट कर सकते हो, 2 मिनट पे, या फिर जितना भी आप सेट कर सकते हो। उसके भीतर ही अगर कोई बंदा आपको यहां पे वोटिंग करता है तभी वहां पे वोटिंग वाला सिस्टम काम करता है, तभी वो जो अगर दिन करना चाहता है तो दिन होगा, नहीं तो वोटिंग सिस्टम 3 मिनट के बाद बंद हो जाता है। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हो तो आप देखो किक एंड टाइम लिखा हुआ है, 3 मिनट पे सेट है, तो इसको मैं 1 मिनट कर लेता हूं, इसी तरह बाकियों को भी मैं 1-1 मिनट कर लेता हूं। आप अपने प्लेयर जितने आपके सर्वर में उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, जैसे 5 मिनट का या फिर 3 मिनट भी रख सकते हो। फिलहाल मेरे को जल्दी-जल्दी करना है तो मैं 1 मिनट पे सब कुछ सेट कर देता हूं ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा सकूं। फिर आपको यहां पे सेव पे क्लिक करना है, फिर गाइस अपने गेम में आ जाना, फिर आपको लिखना है /VOTE और फिर सेव लिख के एंटर कर देना, तो आपका जो भी है यहां पे सब कुछ सेव हो जाएगा। उसके बाद गाइस, यू कैन रीलोड लिखा हुआ है, तो आप यहां से रीलोड मत करना, आप जाके अपने सर्वर को ही रीस्टार्ट कर लेना। तो चलो जल्दी से मैं अपने सर्वर को ही एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूं। अब हम अपने गेम में चलता हूं गाइस, और
अब अपना पॉकेट एडिशन से भी ज्वाइन करके आपको दिखाते हैं कि ये काम कैसे करते हैं सभी कुछ। ये लोग गाइस मैं आ चुका अपने पॉकेट एडिशन वाले प्लेयर से। अब जल्दी से यहाँ पे सर्वाइवल में चलते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने सब कुछ लॉक कर रखा है, वेदर वगैरह चेंज नहीं होगा। तो अपने चलते हैं जल्दी से सर्वाइवल वाले वर्ल्ड में। अब गाइस यहाँ पे हम चेंज करने वाले हैं आपको वोटिंग सिस्टम, सब कुछ करके दिखाने वाले हैं। और हाँ, पार्कोर कैसे बनाते हैं इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप जाके इस वाले वीडियो को भी देख सकते हो। पार्कोर भी अपने सर्वर में बना सकते हो। और ये मैंने सर्वाइवल वाले वर्ल्ड में क्यों ऐड किया अपना पार्कोर, ये भी मैंने उसी वीडियो में बताया है, तो जरूर देख लेना। अब चलो गाइस हम लोग वोटिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइम चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिखना है आपको /VOTE, उसके बाद टाइम, और अभी डे हो रहा है तो मैं काम करता हूँ नाइट कर देता हूँ। यहाँ पे वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, देखो डो का वोटिंग हो चुका है। अब गाइस मैं अपने पॉकेट एडिशन प्लेयर से भी यही सेम कमांड लिखूंगा, /VOTE TIME NIGHT लिख के मैं जल्दी से एंटर करता हूँ। तो यू डोंट हैव परमिशन टू डू दिस, अच्छा मेरे को परमिशन नहीं है। तो अब गाइस मैं आपको परमिशन देना भी दिखाता हूँ कि आप परमिशन कैसे दोगे, ताकि आपके सर्वर के जो मेंबर्स हैं या फिर बाकी रैंक के प्लेयर हैं वो लोग कैसे इस वोटिंग सिस्टम को यूज कर पाए। तो चलो वोटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपना लक पॉम्स वाले पे जाना है, तो /LP, उसके बाद स्पेस देके एडिटर लिखना, फिर एंटर करना, फिर आपको एक यहाँ पे लिंक आ जाएगा, इस वाले लिंक को आपको क्लिक करना है और फिर यस पे क्लिक कर देना। तो ये लोग गाइस हम आ चुके हैं अपने लक पॉम्स वाले वेबसाइट पे। और अगर आपको लक पॉम्स यूज करना नहीं आता है, कैसे हम परमिशन देते हैं ये नहीं आता है, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देखना गाइस, इस पे मैंने सभी कुछ बता रखा है। इस सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हाँ उस वाले प्लेलिस्ट पे भी। तो यहाँ पे आने के बाद आपको जो ग्रुप्स दिखता है इस पे आपको क्लिक करना है, और सबसे पहले आपको डिफॉल्ट वाले को देना है परमिशन। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद अब आपको लिखना है VOTE, वोट लिखोगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पे आ जाएगा। और हमें कौन सा वोटिंग वाला परमिशन देना है, इसके लिए ये वाला जो वेबसाइट मैंने दिखाया था ना, ये देखो UVOTE उसके बाद स्टार था डॉट के बाद, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ यही वाला वोट लिख के, उसके बाद UVOTE स्टार, ये देखो मिल गया मुझे UVOTE स्टार वाला, बस इसको आप इंटर करो, ये यहाँ पे आ जाएगा और इसको ऐड कर दो। तो अभी मैंने डिफॉल्ट यानी कि मेंबर्स में ऐड कर दिया है, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी वाले आइकन पे क्लिक करना, फिर ओनर, एडमिन, मॉडरेटर, जितने भी आपने अपने लक पम्प्स में अपने माइनक्राफ्ट सर्वर में रैंक्स बनाए हुए सभी को ये सेम परमिशन आप दे देना। और हाँ, रैंक्स कैसे बनाते हैं इसके रिलेटेड मैंने ये वाले वीडियो बना रखा है, जाके उसको भी देख लेना। उसके बाद आपको कॉपी पे क्लिक करना है, तो सभी में यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये वाले लिंक को कॉपी करना है और अपने गेम पे चले आना है। तो ये लो मैं आ चुका हूँ अपने गेम पे, इसको पेस्ट करना है जो लिंक वहां से कॉपी हुआ था, और फिर आपको यहाँ पे एंटर कर देना, तो सारा मेरा लक पॉम्स वाला सेव हो जाएगा। और उसके बाद गाइस अब शायद वोटिंग वाला सिस्टम खत्म भी हो गया होगा। ये देखो वोट फॉर नाइट टाइम हैव बीन एंडेड ड्यू टू रीचिंग द मैक्स वोट, यहाँ पे ये एंड हो चुका है। तो हमें अभी जल्दी से फिर से चालू करना है, तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा /VOTE TIME, अभी नाइट हो चुका है तो अब हम डे करेंगे, तो टाइम डे लिख के आप एंटर करोगे। उसके बाद मैं जल्दी से अपने पॉकेट एडिशन वाले प्लेयर से भी जल्दी से यहाँ पे कर देता हूँ उसको वोटिंग, VOTE TIME DAY, ये लिख के मैं एंटर करूंगा, तो ये देखो डे हो गया ना। तो गाइस कुछ इस तरीके से ये वोटिंग सिस्टम काम करता है। जल्दी से मैं यहाँ पे आपको नाइट करके भी दिखाता हूँ, वोट फिर टाइम NIGHT, यहाँ पे वोट टाइम हो गया, तो ये वोट टाइम का स्टार्ट हो गया है। अब मैं जल्दी से पॉकेट एडिशन से भी वही सेम कमांड लिख देता हूँ। हाँ, लेकिन इसमें आपको बार बार आपको कमांड लिखना तो पड़ता है गाइस, इसका कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है और ऐसा कुछ प्लगइन में दिया भी नहीं है। तो ये देखो नाइट हो जाएगा। और गाइस ये सारे परमिशंस को मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे डाल रखा है, आपको अपना मेरा वाला डिस्कॉर्ड सर्वर जाना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जल्दी से ज्वाइन कर लेना। फिर आप यहाँ पे नीचे आओगे जनरल चैट के जस्ट नीचे मीडिया आपको दिखेगा, इस वाले मीडिया में आपको दिख जाएगा अल्टीमेट वोट परमिशंस वाला, यहाँ से आप इसको एक एक करके कॉपी करके अपना जो ये लक पॉम्स वाला वेबसाइट है यहाँ पे जाके पेस्ट करके, और इसको आप आराम से किसी को भी आप परमिशन दे सकते हो, ऐसा आप कर लेना। तो बस गाइस इतना छोटा सा आपको सेटिंग्स में चेंज करना है और आप अपने सर्वर के अंदर एक वोटिंग सिस्टम को ऐड कर सकते हो, काफी आसान था ये। और हाँ गाइस, आप अपने सर्वर वाला जो वोटिंग सिस्टम है, जैसे अपने सर्वर को प्रमोट कर सकते हो वोट के द्वारा, वो भी गाइस मैं बहुत ही जल्दी बना दूंगा उस पे भी वीडियो। तो गाइस आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, कोई भी प्रॉब्लम आता है आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड नीचे कमेंट पे भी वो भी बताना, और साथ साथ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब कर दो। और हाँ गाइस, डिस्कॉर्ड सर्वर, मेरे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम जाके फॉलो भी कर देना, वहां पे भी मैं मस्त मस्त कंटेंट डालता रहता हूँ। चलो गाइस मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।